अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं शाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल। प्यारे बच्चों, आप लोगों का विंग्स में लेसन वन चल रहा था, आज हम लोग सेल्फ चेक करेंगे। ये उस लेसन का दूसरा पार्ट है जहां हम लोग कुछ एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, पुराने वीडियोज़ को देखने के लिए आइकॉन का एक बटन दिखेगा ऊपर में आई का, जिसे आप जाकर पुराने वीडियोज़ को देख सकेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स के बारे में ज़रूर बताएं। और चलिए, तब पेज नंबर आप लोग खोलेंगे 27, पेज नंबर 27, ये आपका 27 खुल चुका। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्टिविटी 13 तक किया था, अब आपका सेल्फ चेक है। चलिए, इसे लगता है हम लोगों को रीड करना पड़ेगा। लेट्स रीड। लायन लिव्स इन द फॉरेस्ट। ओके, शेर बब्बर जंगल में रहता है। ही इज किंग ऑफ ऑल एनिमल। अच्छा, जितने एनिमल्स हैं, हाथी, चूटी, बंदर, चूहा, सारे एनिमल्स का राजा कौन है? लायन। सो ही हैज मेनी फॉलोअर्स। अच्छा, इसके बहुत सारे लोग मानने वाले हैं। टाइगर, फॉक्स, वॉल्फ, एलिफेंट, डियर, गोरिला, बियर, जिराफ, ज़ेब्रा एंड स्नेक आल्सो लिव्स इन द फॉरेस्ट। ओके, ये सब जानवर भी फॉरेस्ट में रहते हैं। कौन कौन है? टाइगर, फॉक्स, वॉल्फ, एलिफेंट, डियर, गोरिला, बियर, जिराफ, ज़ेब्रा, स्नेक Also lives in the forest. All of them are wild animal. जितने जानवर हैं ये सब wild animal है। Wild मतलब जंगली, जंगल में रहने वाले लोगों को, लोगों को नहीं, जानवरों को जंगली जानवर कहते हैं। Tiger, lion and wolf hunt other animals and feed on them. Tiger, lion and wolf. Wolf मतलब भेड़िया, ये भी खूनखार होता है ना, ये दूसरे जानवरों को शिकार करके खा लेते हैं। ओके, स्नेक फीड ऑन रैट। स्नेक किसको खाता है? रैट्स को, बेबी बर्ड्स को, फ्रॉग को, मेंढक को एंड मेनी अदर स्मॉल एनिमल्स को स्नेक खा लेता है। आगे देखिए, हाइना एंड फॉक्स आर वेरी विली। अच्छा, हाइना और फॉक्स दोनों बहुत चालाक जानवर है। चलिए, दे हंट रैबिट्स। रैबिट्स मतलब खरगोश, बकरी, गोट्स एंड अदर एनिमल्स। ओके, लायन एंड टाइगर आर पावरफुल हंटर्स। अच्छा, सबसे ज़्यादा ताकतवर यानी कि लायन है, उसके बाद टाइगर है। लायन एंड टाइगर आर पावरफुल हंटर्स, सबको खा लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। जिराफ, ज़ेब्रा, डियर एंड मंकी फीड्स ऑन ग्रास। अच्छा, जिराफ, ज़ेब्रा, डियर एंड मंकी ये सब ग्रास, फ्रूट्स एंड ग्रीन लीव्स को खाते हैं। ओके, दे यूजुअली लीव्स इन ग्रुप्स। अच्छा, ये सब जो जानवर है ज़्यादातर ग्रुप में रहते हैं। गोरिल्ला एंड बियर आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एनिमल। गोरिल्ला एंड बियर, भालू, हाँ ये दोनों ताकतवर है। गोरिल्ला तो इंसान की तरह चलता है ना। वी कैन सी देम इन डेंस फॉरेस्ट। अच्छा, इन सब जानवरों को हम लोग कहाँ देख सकते हैं? डेंस फॉरेस्ट में, जहाँ बहुत घने पेड़ पौधे हैं, बहुत बड़ा जंगल है, वहाँ हम लोगों को ये सब नज़र आएगा। ओके, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। लेट्स डू यहाँ पे क्या कर रहा है? एक्टिविटी वन में क्या कर रहा है? फिल इन द टेबल। ओके, एनिमल्स हु फीड ऑन अदर एनिमल। फीड मतलब खाना, खुराक। ओके, जो एनिमल दूसरों को खाकर जिंदा रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? एनिमल हु फीड्स ऑन ग्रीन लीव्स एंड ग्रास। ओके, कुछ एनिमल हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे, कुछ एनिमल जो ग्रीन लीव्स, ग्रास और झाड़ फूस फूसी को खाते हैं, उसके बाद उनका, उन सारों का नाम यहाँ लिखना है। और कुछ एनिमल ये है जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, एनिमल्स हु फीड्स ऑन अदर एनिमल्स, तो उनका नाम लिखना है। बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लायन, टाइगर। ओके, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वॉल्फ, भेड़िया। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फॉक्स। ओके,
हम लोग यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, स्नेक लिख सकते हैं। हाइना भी हो सकता है, देखिए यहाँ पे हाइना है लिखा हुआ। हाँ हाइना है ना, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, हम लोग लिखेंगे काओ, गोट, जेबरा, और क्या है, डियर, रैबिट, खरगोश। ओके, तो ये एनिमल ग्रीन लीव्स खाते हैं, है ना, ग्रास खाते हैं, और ये लोग इन सारे एनिमल को खा लेते हैं। ओके, चलिए एक्टिविटी टू देखते हैं हम लोग। फिल इन द ब्लैंक्स विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम पैसेज, वन इज डन फॉर यू। ओके, लायन, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। लायन, टाइगर, देखिए लायन एंड आर वाइल्ड एनिमल, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लायन, टाइगर, और क्या होगा यहाँ पे, फॉक्स, फॉक्स भी लिख सकते हैं, वॉल्फ भी लिख सकते हैं, है ना, बहुत सारे जानवर हैं वाइल्ड एनिमल। ओके, एंड वॉल्फ आर वाइल्ड एनिमल्स। ओके, ऑल वाइल्ड एनिमल्स लिव्स इन फॉरेस्ट, दे डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर देयर फीड्स। ओके, यहां पे होगा दी लायन, दी लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। ओके, एक्टिविटी थ्री है, नेम द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एक्टिविटी थ्री, नेम सम वाइल्ड एनिमल्स। अच्छा, सम वाइल्ड एनिमल्स के बारे में हम लोगों को लिखना है, कौन कौन है सम वाइल्ड एनिमल, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ से शुरू करते हैं बच्चों, सम वाइल्ड एनिमल्स आर टाइगर, लायन, एलिफेंट, एलिफेंट, डियर, बियर एंड ई टी सी। ओके, चलिए अब बी नंबर पे हम लोग देखते हैं। बी नंबर में आपका है व्हाट डू द स्नेक्स फीड्स ऑन, अच्छा स्नेक्स क्या खाता है, क्या शिकार करता है, इस बारे में हम लोग लिखेंगे। द स्नेक फीड्स ऑन, यहाँ से शुरू करते हैं, द स्नेक फीड्स ऑन, ओके, रैट्स, रैट्स, बेबी बर्ड्स, BIRDS, बेबी बर्ड्स एंड मेनी मोर, फ्रॉग एंड मैनी मोर
and many other animals. ओके, ये था आपका बी का आंसर। मेरी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ा रही है। चलिए हम लोग अब सी को देखेंगे। हु आर वाइली एनिमल। ओके, हु आर वाइली एनिमल, इसका जवाब हम लोग लिखेंगे। वाइली एनिमल कौन है? हाइना एंड फॉक्स और वाइली एनिमल, हाइना एंड फॉक्स आर वाइली एनिमल। एनिमल्स, ओके बच्चों, यहां पे है डी नंबर। विच एनिमल्स आर पावरफुल हंटर्स? हम लोग लिख सकते हैं द लायन, टाइगर एंड वॉल्फ आर द पावरफुल हंटर्स। पावरफुल हंटर्स, ओके। अब एक क्वेश्चन और बचा, ई नंबर। यहाँ पे सवाल है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ टू एनिमल्स दैट आर सीन इन द डेंस फॉरेस्ट। ओके, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द टू एनिमल्स दैट आर सीन इन द डेंस फॉरेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखिए बुक में देख लीजिए एक बार। गोरिल्ला एंड बियर, अच्छा है ना, वी कैन सी देम, गोरिल्ला एंड बियर। हम लोग लिखेंगे गोरिल्ला एंड बियर दैट आर सीन those are seen in dense forest. ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन का आंसर। अब आया एक्टिविटी फोर। एक्टिविटी फोर पढ़ा हुआ है आप लोगों का, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। Write the name of the babies of the following animals. बताइए बच्चों, काऊ के बच्चे को क्या कहते हैं? काऊ के बच्चे को हम लोग कहते हैं काफ। ओके, डॉग के बच्चे को पप्पी, पी यू डबल पी वाई पप्पी। कैमल के बच्चे को हम लोग काफ कहते हैं। किड के बच्चे को गोट के बच्चे को किड कहते हैं। ओके, हॉर्स के बच्चे को कॉल्ट, सी ओ एल टी कॉल्ट। और डक के बच्चे को डकलिंग। ओके, चलिए आगे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द साउंड्स ऑफ एनिमल्स। काउज, काउज को साउंड को मूज, बट शीप बिलीट्स, डॉग्स barks, but cats mews, goats, goats का bleat होगा, goats bleat, but horse neigh, okay, ducks
quack. बट हेंस हेंस क्लीन हेंस हेंस का क्या होगा? हेंस का कैकल्स. ओके बच्चों, अब आपका एक्टिविटी सिक्स. एक्टिविटी सिक्स देखिए, आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं हम लोग. अगले वीडियो में पेज नंबर हम लोग 30 करेंगे, ठीक है? तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए. थैंक यू, खुदा हाफिज़.